संजय सिंह ने आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई, यानी कि एक घंटे तक की मुलाकात चली है। इस मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होने की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार छोटे छोटे दलों से मुलाकात कर रहे हैं, और इसके अलावा जो बड़ी पार्टियां हैं, इसमें आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, आम आदमी पार्टी से भी मुलाकात कर रहे हैं। अभी संजय सिंह से उनकी मुलाकात हुई है, एक घंटे तक ये मुलाकात हुई, यानी कि अब सियासी बाजार गर्म है कि आने वाले समय में क्या अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। कपीश श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपीश जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद कपीश जी, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज मिल रही है जी। कपीश जी, आज मुलाकात हुई एक घंटे तक संजय सिंह से अखिलेश यादव जी की, क्या समझे इस मुलाकात से हम, आने वाले समय में क्या गठबंधन हो सकता है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में आगामी जो चुनाव है उसके मद्देनजर तमाम गठबंधन और उसकी तैयारी उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्षी दल भी और सत्ता पक्ष भी कर रहे हैं। लेकिन कोई मुलाकात अगर होती तो उसका ये नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि कोई गठबंधन होने जा रहा है या कोई सीटों का तालमेल होने जा रहा। और अभी आपने देखा कि एक दिन पहले प्रोफेसर राम गोपाल जी के पुस्तक का विमोचन था, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडर को छोड़ के बाकी सारे विपक्षी दल के लीडर आए हुए थे। तो कोई व्यक्ति अगर इसी तरीके से फौरी मुलाकात करता है हालचाल के लिए भी, तो उसको दूसरी तरीके से नहीं लेना। तो इस मुलाकात को हम किस तरह से समझे, औपचारिक मुलाकात? बिल्कुल, ये एक औपचारिक मुलाकात फिलहाल है और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि राजनीति के अंदर जो है वो किसी के साथ गठबंधन होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी कम से कम वो दल जो कि सांप्रदायिक नहीं है, और हमारी पार्टी तो पहले से ये कह रखी है कि जिनको भी विनाश लीला खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध लड़ाई अगर उत्तर प्रदेश में लड़नी है और देश में आगे आने वाले संसदीय इलेक्शन में परास्त करके देश का विकास करना है, तो ऐसे सभी पार्टियां वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती हैं और उनको उचित हम लोग सम्मान देने का काम करें। हाँ, तो फिर इसे हम आगे यही समझे ना कि आने वाले समय में गठबंधन हो सकता है, जब आप ये बात कह रहे हैं और विचारधारा की आपने बात कही है, तो सिर्फ विचारधारा एक ही जगह मिलती है, बाकी जगह तो विचारधारा नहीं मिलती अब से पहले? देखिए, इससे पहले भी आदरणीय संजय सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, उसके दो दिन बाद वो आए थे। एक ऐसे ही मुलाकात थी, अनौपचारिक मुलाकात थी, जिसको कि आप लोग उससे जोड़ रहे थे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर भविष्य में कोई गठबंधन होगा तो वो सामने होगा और वो जनता के भी सामने होगा, पत्रकार मित्रों के भी सामने होगा। लेकिन अभी कोई ऐसी मुलाकात और ऐसा जिक्र नहीं है कि जिसको हम लोग अधिकृत रूप से आपको कुछ संदर्भित कर सके। तो इसको एक औपचारिक मुलाकात ही माना जाना चाहिए, क्योंकि हाल चाल लेते रहना अगर किसी एक नेता का दूसरे नेता से संबंध है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और अखिलेश यादव खुले मन से कह चुके हैं कि अगर विचारधारा हमसे मिलती है तो सभी दल आ सकते हैं, हमसे मुलाकात कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, फिर आगे चर्चा भी इस पर हो सकती है। अगर आने वाले समय में आम आदमी पार्टी से गठबंधन होता है तो ये एक बड़ा विकल्प होगा बीजेपी को हराने के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी वैसे भी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है और हमारी हैसियत हमने साबित भी किया है एमएलसी के चुनाव में, दोनों बनारसी की सीटें लेकर के उपचुनाव के अंदर भी, और जो पंचायत चुनाव में डायरेक्ट चीजें थी, चुनाव थे, वो तो हमने ही जीते और मंदिर संस्कृति के अंदर जीते। अध्यक्ष जी अभी हमारे जिस तरीके से पूर्वांचल के दौरे पे निकले, सभी ने देखा है कि कितना भव्य स्वागत जनता के द्वारा किया गया। तो इसमें कहां दो राय है कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आ रही, लेकिन समाजवादी पार्टी उन सभी दलों का सम्मान करेगी
जो विनाशकारी लीला खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अगर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आते तो उसका स्वागत है। औपचारिक मुलाकात आने वाले समय में किस तरह से दिखाई देती है, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अखिलेश यादव से संजय सिंह की मुलाकात हुई है, जैसा की अभी सपा के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए, तो उनका साफ तौर पर कहना है की इस मुलाकात को अभी सिर्फ औपचारिक मुलाकात के तौर पर देखे, आने वाले समय का कुछ नहीं पता, कुछ भी बदलाव हो सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि जो मुलाकात है सिर्फ औपचारिक है, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत ज्यादा निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि जो भी ऐसे दल हैं जिनकी विचारधारा हमसे मिलती है तो वो हमारे साथ आइए मिलाप कीजिए, उसके बाद एक साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में जब ये मुलाकात एक घंटे चली है तो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर सकती है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सियासी हलचल मचाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन जो जनाधार है वो आम आदमी पार्टी के पास दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में अकेले आम आदमी पार्टी